पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत फिर सामने आई है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में आए मेहमानों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने बदसलूकी की है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शनिवार को भारतीय हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में मेहमानों से पाकिस्तानी अधिकारियों ने बदसलूकी की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियों ने होटल सेरेना के बाहर शनिवार को घेराबंदी की और मेहमानों को धमकाया और इसके बाद उन्हें वापस भेज दिया। खबरों के मुताबिक कई मेहमानों के साथ धक्का मुक्की की गई, कई मेहमानों को तो अंदर जाने तक नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कई नंबरों से मेहमानों को फोन किया और धमकी दी कि अगर वो भारतीय हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो इसके अंजाम उन्हें भुगतने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके यहाँ आए और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे दोस्त स्पेशली कराची से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं। और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग बहुत तकलीफ है आज अंदर आने में और कई हमारे दोस्त नहीं आ पाए। ये सिलसिला इफ्तार का हमारा कई साल पहले शुरू हुआ। इस मामले पर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने कहा कि हम उन सभी मेहमानों से माफी मांगते हैं जिन्हें शनिवार को जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। ऐसी हरकत बेहद निराशाजनक है। बिसारिया ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ बुनियादी राजनयिक आचरण और सभ्य व्यवहार का उल्लंघन किया बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध भी खराब किए हैं। सूत्रों के मुताबिक दरवाजों को बंद कर दिया गया और मेहमानों से कहा गया कि इफ्तार पार्टी रद्द कर दी गई है। मेहमानों से बदसलूकी के कारण इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में कुछ लोग ही गए। इस समारोह में बिसारिया ने कहा कि मैं उन सभी दोस्तों से माफी मांगता हूं जिन्हें अत्यधिक जांच से गुजरना पड़ा। 1 जून को उच्चायोग ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जिसमें पाकिस्तान आला कमान के अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान को भी न्योता दिया गया था। उनके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, विदेश सचिव सोहेल महमूद, सीनेट चेयरमैन और नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी निमंत्रण दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके यहाँ आए और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारे दोस्त स्पेशली कराची से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग बहुत तकलीफ है आज अंदर आने में और कई हमारे दोस्त नहीं आ पाए। ये सिलसिला इफ्तार का हमारा कई साल पहले शुरू हुआ। ये पाकिस्तान की घटिया सोच को दिखाने वाला वाक्या है और पाकिस्तान से ऐसी ही शर्मनाक हरकत की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।